नमक, सौंफ और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला, हींग, हमने इसको अच्छे से भून लिया। अब हम इसमें डालेंगे उबले हुए आलू। ये देखिए, ये चार आलू को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। ये हम नींबू का रस इसमें डाल रहे हैं। अगर आपके पास आमचूर ना हो तो आप इस नींबू का रस डाल सकते हैं। ये देखिए, धनिया की पत्ती हमने काट ली है। स्वाद के लिए हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती डालेंगे। ये देखिए गैस, कचौड़ी में डालने के लिए हमारी सामग्री तैयार हो गई है। ये देखिए मैदा, अब इसमें हम डालेंगे अजवाइन, नमक, अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें हम डालेंगे रिफाइंड मोयन के लिए। ये देखिए ऑयल को हमने अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। ये देखो हमारी मुट्ठी बन रही है। ये देखिए हमने मैदे को अच्छे से गूंध लिया है। हम इसकी बनाएंगे लोई। इसी तरीके की हम सारे लोइयां बना के रख लेंगे। हम इसको ऑयल में डालेंगे हल्की आंच पे। इसको हम धीमी आंच पे पकाएंगे। देखिए इसको हमने पलट दिया है और इसको हम धीमी आंच में पकाएंगे। ये देखिए हमारी कचौड़ी पक चुकी है, अब इसको हम निकालेंगे। ये देखिए गाइस, हमारी गर्मा गर्म कचौड़ी तैयार हो गई आलू टमाटर की सब्जी के साथ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी।